हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हैदराबाद में हूँ और फिलहाल मैं आज कुछ स्पेशल जगह पे आया हुआ हूँ क्योंकि काफ़ी पॉपुलर जगह है, मतलब हाँ पॉपुलर बहुत काफ़ी पॉपुलर जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। एक्चुअली सीन क्या है कि मैं एक्चुअली अपने भाई को हॉस्टल दिलाने के लिए आया हूँ। कहाँ वो आप लोग देख लो, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके कई सारे ब्रांचेज हैं। जो मेन ब्रांच है गाइस वो ये ही है अपना, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। कुछ मीनार मीनार लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है, चार मीनार टाइप गुंबद गुंबद लग रहा है। देखो आप लोग देखते ही चार मीनार वाली फीलिंग आ रही है, काफ़ी अच्छा है। और अभी चलते हैं, आप लोग को अंदर से दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मैं यहाँ आया था अपने भाई के एडमिशन हॉस्टल के, मतलब इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया था, हॉस्टल मिल नहीं रहा उसको, सब कुछ प्रॉपर है उसका फिर भी नहीं मिल रहा है, तो उस चक्कर में आया था। देखते हैं अब क्या हो पाता है। एंट्री करते हैं इससे तो अपना ये कुछ बिल्डिंग आता है, हारून खान शेरवानी सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज़। शेरवानी सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज़ क्या है, अब तो अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि मेरे पास आई कार्ड नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जा सकते हैं। नज़ीर अकबर आबादी रोड। सब हम लोग जो उर्दू का पोएम वगैरह पढ़ते थे, जाना है किसको बचपन में जितना भी पोएम पढ़ते थे गाइस, सबका एक एक रोड है। मीर तकी मीर रोड, हारून रशीद रोड, नज़ीर अकबर आबादी रोड, ये सब रोड है। सब ले ही नहीं रहा है, लेगा टाइम लगता है। तो यहाँ पे गाइस बैंक भी है, ये बैंक है गाइस, यहाँ पे इसके अंदर ही जैसे एंट्री करते हैं। गाइस ये इसका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का गार्डन है। एंट्री गेट से हम लोग इंटर किए, वहाँ रहा एंट्री गेट, उसके बाद ये गार्डन है। और गार्डन से आप लोग ये देखो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिखता, लगता है कोई महाराजा का पैलेस टाइप का है। और ये फिलहाल फाउंटेन है जो कि बंद पड़ा हुआ है, बाकी वाटरिंग वगैरह चलता रहता है कंटिन्यूसली। और ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक दिखाते हैं आप लोगों को, फिर पूरा कॉलेज दिखाते हैं। कितना 220 एकड़ मैंने पढ़ा कहीं पर, 220 एकड़ में ये फैला हुआ है पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया। और लोग यहाँ पे बैठ करके अपना टाइम पास करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, टीचर्स लोग आके बात करते रहते हैं, और कंटिन्यूसली यहाँ पे मतलब फिनिशिंग वर्क या फिर आप सर्विस चल समझो सब चलता रहता है। तो बस अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। सामने से चल के आएगा इस इधर, अभी हम लोगों को इधर जाना है। फिर से एंट्री करा, ये है मेन इसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी है और प्रिंसिपल ऑफिस वगैरह वगैरह इधर ही है। ये बहुत बड़ा है, आप लोग देखो। चलो 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 तुम चलते रहो, चलते हैं इसके अंदर का आपको व्यू देते हैं। ये इसका पूरा मॉडल है गाइस। रिसेप्शन है, हम लोगों को ऊपर जाना है अभी। चलो इस साइड कॉरिडोर है, इस साइड कॉरिडोर है, और वो है एक्चुअली हमारे मौलाना आज़ाद साहब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लिफ्ट। ये थर्ड फ्लोर का कुछ व्यू है, इस साइड एग्जामिनेशन ब्रांच है, इधर भी ये भी एग्जामिनेशन ब्रांच है। हम लोगों को इसमें एक रूम है, कौन सा 308 में जाना है, जो कि यही है, बट वो आगे वाले गेट से जाएंगे अपन। चलते हैं पहले काम कराते हैं, फिर बाहर निकल के आप लोगों को पूरा कॉलेज दिखाते हैं। इस तरह का लगता है एकदम सीधा नीचे, और अभी हम जाएगा लिफ्ट से नीचे। काम तो हुआ नहीं, कैसे होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, अब इससे निकल करके आप लोगों को पूरा छोटा मोटा एक टूर दे देते हैं। उस बिल्डिंग के बारे में तो बता दिया आप लोगों को, अब ये वाला बिल्डिंग है आपको डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, ये वाली बिल्डिंग है। हेलो, अभी हम लोगों को जाना है पॉलिटेक्निक में, और
ये जो यूनिवर्सिटी है काफी बड़ा है, काफी लैब हुआ। चुप करना, बैकग्राउंड साउंड बंद करना अपना। काफी चलना पड़ता है। एक क्लास में चढ़ी गई सर, लगता है कि इधर क्या है पता नहीं है। बैक साइड है एंट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, पार्किंग एंड ऑल स्टाफ ऑफ ऑल स्टाफ। हेलो, हम कहाँ पे हैं? हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से निकल के पॉलिटेक्निक की तरफ भाग रहे हैं। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इसी को बोले हैं? नहीं नहीं ये एकेडमिक जोन एंड वी आई पी रेसिडेंशियल जोन। इस साइड वी आई पी रेसिडेंशियल जोन है और इस साइड एकेडमिक एरिया है। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस, कैंटीन भी शायद उधर ही है। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल, इस साइड ले जाओ, प्लेसमेंट ले लेते हैं, पढ़ा लिखा क्या करना है। मीर तकी मीर, देखो कितना लंबा चलना पड़ता है यहाँ से, अभी वहाँ जहाँ लास्ट बच्चे दिख रहे हैं वहाँ जाओ, उसके बाद वहाँ पे से बिल्डिंग्स वगैरह स्टार्ट होती है एकेडमिक सेक्शन। यहाँ पे लिमिट है गाइस 20 का स्पीड और ये लोग चला रहे हैं तेज। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल है और एक सेकंड रुक जाओ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बॉयज़ हॉस्टल, सीएससी कोचिंग एकेडमी, स्कूल ऑफ सीएसआईटी, आईएमसी, स्कूल ऑफ एमसीजे एंड एसीएसईपी, सैयद हामिद लाइब्रेरी और पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ साइंसेज, इतना है इधर। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, बस हर के अंदर नहीं जा सकते ना क्योंकि एंट्री नहीं मिलता। यहाँ जाना पहले। हाँ चलो ठीक है, एक सेकेंड। ये जर्नलिज्म में कुछ इस तरह का अंदर का बना हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते हम लोग, तो बस यहीं से आपको एक ओवरव्यू दे दिया। और आवाज़ थोड़ा डाउन है क्योंकि खांसी हो चुका है मुझे और इसलिए सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। अब चलते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर। ये यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी, चल के देखते हैं अंदर में कोई एंट्री मिलेगा या नहीं। यहाँ का स्टूडेंट तो हूँ नहीं मैं, तो कोई एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जाके देखना पड़ेगा। लाइब्रेरी में तो एंट्री ले लिया है कैसे करके, क्या हो रहा है भाई? कुछ तो है नहीं, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कुछ है? देखते हैं लाइब्रेरी कैसा है, क्या है नहीं है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। इस तरह का इसका लाइब्रेरी है गाइस, रसायन कमर पुलिस, इसका इंग्लिश क्या है, बस यही है लाइब्रेरी जो भी है गाइस। वॉशरूम की तरह मेरा यही वाला लगता है गाइस, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। सामने ऑडिटोरियम है वो बंद है, तो वही मेन अट्रैक्शन है लाइब्रेरी का, काफ़ी बड़ा है अच्छा है, तो फिलहाल बंद है, अब उसमें जा नहीं सकते, तो बस यही था लाइब्रेरी। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं क्या क्या है और यहाँ दिखाने को। अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, इस पर कोई नाम वाम या फिर नामकरण बोलते हैं ना, वो सब कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, बहुत सारा जगह खाली है अभी, बहुत कुछ बन सकता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ये है पॉलिटेक्निक ब्रांच जहाँ पर मेरे भाई का एडमिशन हुआ है। चलते हैं अब इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है, एक ओवरव्यू दे देते हैं आप लोगों को। इस तरह का पॉलिटेक्निक का ब्रांच है, सारी पॉलिटेक्निक की क्लासेस यहीं चलती है। वहाँ वो टीचर हैं, उधर कुछ टेक्निकल स्टाफ वगैरह कुछ ठीक कर रहे हैं, ये देख लो आप, देखो ये देखो, चलते हैं पॉलिटेक्निक से भी बाहर। पॉलिटेक्निक है उसके ठीक इस साइड में, ये है सैयद जहूर कासिम ब्लॉक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये जो पॉलिटेक्निक का पार्किंग है काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये बिल्डिंग है, यहाँ से बीटेक होता है, जिसको बीटेक करना हो यहाँ से यहाँ पढ़ाई करता है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है और ये थोड़ा एक्चुअली सीन ही इसका ये ऐसा है ना, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ फिर से, अगर सब लोग आप लोगों के ध्यान में अगर नहीं है तो। मानू यूनिवर्सिटी है इसका एक्चुअल पूरा नाम है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब बहुत कम पैसों में अच्छी पढ़ाई होती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी MHRD के अंदर आती है, MHRD
सही बोला अगर तो, हाँ उसके अंदर आती है। और थोड़ा ये उर्दू बेस्ड है, तो यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके एग्ज़ाम वगैरह होता है। बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बहुत लोग मतलब पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, डिप्लोमा करते हैं पॉलिटेक्निक में। तो काइंड ऑफ ये उर्दू बेस्ड है, तो यहाँ पे जितना भी बोर्ड वगैरह आप लोग देखोगे तो उसमें उर्दू में तो ज़रूर लिखा हुआ है। इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है तो है ही, बट अगर उर्दू में ज़रूर लिखा रहेगा यहाँ पे, ऐसा है। जैसे ये देखो मेरे पीछे बोर्ड है, उसको देखो, वो भी उर्दू में लिखा हुआ है कुछ। ये शायद कुछ है नहीं, दूसरी तरफ से एग्जिट है, तो इधर नहीं जाकर के अब हम लोग चलते हैं इधर वापस। और आप लोगों को गेस्ट हाउस की तरफ, कैंटीन वगैरह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ है यहाँ, तो सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। देखो तो यहाँ पे कुछ अभी हमारे इस पॉलिटेक्निक के वाइस चांसलर वगैरह आए हैं, कुछ मतलब मीटिंग है और वो COVID-19 से रिलेटेड कुछ मीटिंग चल रहा है अंदर, मोस्ट प्रोबेबली उसी के लिए आए हैं वाइस चांसलर और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं अंदर। अच्छी खासी मीटिंग चल रही है, अच्छा इंतज़ाम है, मतलब फैसिलिटीज़, मतलब इंतज़ाम बोले तो खाने पीने का हो, फूडिंग का कुछ है, मसला चल रहा है अंदर, मतलब खाना पीना चल रहा है अंदर। तो बस अभी हॉस्टल का काम अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, उम्मीद है कि हो जाएगा आज ही। अब चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, पहले कुछ खा लेते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं यहाँ का कैफेटेरिया। इस साइड का पूरा आप लोगों को घुमा दिया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इस साइड जाते हैं, जैसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, सैलून वलून क्या क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब कुछ ऐसा करके दिया इन लोगों ने, ताकि आप लोग को बाहर जाने के, मतलब जो भी पढ़ते हैं यहाँ उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सब कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक अवेलेबल हेयर। देखते हैं अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हॉस्टल है, हॉस्टल का क्या सीन होता है। अभी दो तीन लोगों से बात करा है, उम्मीद है कि हो जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। ये है गाइस अली मोहम्मद खुसरू हाउस, सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम, एक सेकेंड सॉरी, उर्दू मीडियम टीचर्स। सबका अपना अपना अलग अलग बिल्डिंग कर दिया गया है गाइस, और ये बिल्डिंग तो एकदम काफ़ी नई है, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाया अभी तक, इस पर कुछ नाम वाम नहीं लगाए हैं। और इसका अभी कुछ कौन सी बिल्डिंग होगी क्या होगी वो तो अब कभी और अब आएंगे अगर मौका मिला। भाई तो यहाँ पढ़ता है तो मौका मिलेगा तो आएंगे फिर हैदराबाद, तो फिर देखेंगे क्या है नहीं है। ये फ़िलहाल तो अननेम्ड है। इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसमें ऑडिटोरियम, ऑन एयर जाने के लिए, मतलब मास कम्युनिकेशन है ना, तो लाइव जाने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। दो तीन मतलब स्टूडियो वगैरह है जहाँ से लाइव जाते हैं लोग। ख्वाजा अहमद अब्बास इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, MCJ। और ये अपना लाइब्रेरी जैसा कि आप लोगों को दिखा दिया फिर से। अब उस तरफ चलते हैं जिधर गेस्ट हाउस है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कैफेटेरिया वगैरह है। क्या भेजे पापा, साफ है, क्लीन है। कैंपस में एंट्री करते हैं, उधर मेन एंट्रेंस है। इधर हम लोग पूरा दिखा दिया आप लोगों को, अब चलते हैं इस साइड, देखते हैं क्या क्या है। इस रोड का नाम दारा शिकोह रोड है, यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस मानो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इधर ही है। ये UGC का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, HRDC, उधर उसका एकेडमिक ब्लॉक। गाइज ये यहाँ का फर्स्ट एड सेंटर है, इब्ने शीना हेल्थ सेंटर, इसकी दो दो बिल्डिंग है। फर्स्ट एड सेंटर या फिर आप बोलो मेडिकल रूम, जहाँ पे मतलब कॉलेज के बच्चे आकर के कुछ भी फर्स्ट एड वगैरह अगर लेना हो तो ले सकते हैं, और हॉस्टल वाले बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होता है यहाँ अगर। इधर ही है अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ओपन एयर थिएटर, और इसका नाम है हबीब तनवीर ओपन एयर थिएटर। ये है अपना का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग, तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये देखो, फर्स्ट नंबर पे लॉन्ड्री, सेकंड पे ब्यूटी पार्लर, थर्ड पे लेडीज़ टेलर, फोर्थ पे मेल सलून, फिर ग्रोसरी, फिर स्टेशनरी, फूड जोन, कैफेटेरिया, लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पे ये लॉन्ड्री है, बंद है। सेकंड नंबर पे ये क्या है, ब्यूटी सलून है जो खुला हुआ होगा। ये लेडीज़ टेलर है, ये अपना जेंट्स सलून है, ये कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया का मेन्यू कार्ड है, और ये कुछ इस तरह का यहाँ का कैंटीन है।
चिकन पेटीज़ जो नाम का ही सिर्फ चिकन पेटीज़ है, सामने कैंटीन है, लोग यहाँ पे बैठ करके खाते पीते रहते हैं। तो लिया था बट ये टोटली वेस्ट है, एकदम तकती इट इज़। अभी ये खा नहीं सकती, इसको छोड़ दिया, भाई ने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। चिकन पेटीज़ तो एकदम तट्टी था, अजीब सा था, इसलिए नहीं खाया। तो अभी ये पूरी सब्ज़ी ऑर्डर करा है, या कैंटीन है इधर, वहाँ से टोकन लेते जहाँ भैया खड़े हैं ब्लू शर्ट में, और वहाँ से सेल्फ सर्विस है, वहाँ से रिसीव करते और लोग बैठ के खा रहे हैं। चॉइस जनरल स्टोर है, यहाँ पे कुछ मंचिंग के लिए कुछ ले लेते हैं, लेज वगैरह, जो भूख मिटा नहीं है अभी तक, कुछ ले के आते हैं खाने के लिए। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट था। चल एक कितनी दिखा है क्या देखिए, तो ये नहीं चला और ये ना फसा रंग में चल जाता है। यहाँ का सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दिया, काफ़ी टाइम लग गया गाइस इसमें पूरा दिखाने में, क्योंकि बहुत बड़ा है और काफ़ी दूर दूर पे सब एक बिल्डिंग एक अभी दिखाई नहीं है। क्या बात कर रहा, सब कुछ दिखा दिए, हाँ अंदर अलाउड ही नहीं है। हाँ तुम्हारे पास आई कार्ड है ना, मेरे पास आई कार्ड नहीं है, तो पूरा सब कुछ दिखा दिया, अच्छा खासा टाइम लग गया। सीन क्या है ना कि एक बिल्डिंग इधर है तो दूसरी बिल्डिंग 500 मीटर दूर है, इतने दूर इतना बड़ा फैला हुआ है ये। हाँ क्या हो गया, अब निकलने लगे हैं यहाँ से वापस। तो काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी लंबा था, थकान भी हो गया पूरा ये वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि बहुत बड़े जगह में फैला हुआ है और पैदल चलना पड़ रहा है। तो आप लोगों को देखो मैं फिर से एंट्री गेट पे आ चुका हूँ, कुछ इस तरह का इसका एंट्री है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जितने भी अपने दोस्त हैं मानू के जो जानते हैं इस कॉलेज को, वो लोग अपने ग्रुप में शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है, हो सकता है कुछ ना कुछ छूट गया होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है मैंने पूरा दिखा दूँ, तो बस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।